बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये मैंने चने लिए हैं, इसको उबाल लिए हैं, वाइट चने हैं, इनको उबाल लिए हैं। ये तकरीबन आधा किलो है। अब इसके अंदर प्याज, ये कटिंग की हुई है प्याजों की, एक बड़ा प्याज लेकर काटा हुआ है, इसके अंदर ये डाल दूंगी। और ये खीरा है, ये भी कटा हुआ है, छोटे छोटे पीस किए हुए हैं, ये भी अच्छा लगता है चाट के अंदर। ये खीरा भी डाल दिया है। और ये टमाटर की कटिंग की हुई है, ये भी अंदर डाल दिए इसके अंदर। अभी ये आ गए हैं आलू, आलू उबाल के इसकी भी कटिंग की हुई है और इसके अंदर डाल देंगे हम लोग। ये मिक्स किया हुआ नमक मिर्च है, हसबे जैके के मुताबिक दही के अंदर नमक मिर्च वगैरह हल कर लें, ताकि कि इसमें कच्चापन और थोड़ा ये गीली भी हो जाती हैं और खटास भी इसमें शामिल हो जाती है और ये ज़रा जायका सही बनता है। अभी इसको इसके अंदर मिला देंगे। अभी इसको मैं मिक्स कर दूंगी। ये देखिए कितना अच्छा मिक्स हो रहा है इसके प्याज बॉल के अंदर ही। ये मिक्स हो रहा है। चाट मसाला है, चाट मसाला जो मिलता है वो ऊपर मैंने डाल दिया है। ये चाट मसाला डाल दिया है इसके ऊपर। ये मीठी चटनी बाजार से मिलती है जो मैं लेकर आई थी, ये इमली की चटनी होती है, और ये ऊपर डाल दिया। ये चाट तैयार हो गई है। अभी मैं इसको सर्व करने लगी हूँ, इसको ऐसे ऐसे करके मिक्स करके, तो इसको चने की चाट प्याली में डाल लें और उसके बाद आप इसका जायका देखें। बहुत ही अच्छा और मज़ेदार खट्टा मीठा बनेगा।